नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल NHR विजन में। दोस्तों, आज हम आ पहुँचे हैं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के प्रसिद्ध गोगा मेड़ी मेले के प्रांगण में। दोस्तों, वैसे तो इस बार राज्य सरकार के आदेशानुसार कोरोना काल को देखते हुए मंदिर के कपाट को इस मेले की अवधि के लिए बंद कर दिए गए हैं और श्रद्धालुओं को भी ये हिदायत दी गई है कि वे गोगा मेड़ी के दर्शन बाहर से ही करें एवं अधिक से अधिक संख्या में भीड़ इकट्ठी न करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम पहुँचे हैं गोरख टीले में, वहाँ के प्रांगण में हैं और प्रांगण में हर वर्ष जितनी हजारों लाखों की भीड़ होती है उतनी इस बार भीड़ नहीं है। लोगों की संख्या काफ़ी कम है और मेले का जो रुझान होता है वो इस बार भी कम है। ज़रूर इसका कहीं न कहीं लोगों की आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि लोगों का जीवन स्तर इस मेले से चलता है। तो दोस्तों, देख पा रहे हैं हम आ पहुँचे हैं गोरखनाथ जी के मुख्य द्वार पर और मुख्य द्वार पर गोरखनाथ जी के दूर से ही दर्शन हो रहे हैं। धूणा श्री गुरु गोरखनाथ जी आपके सामने देख रहे हैं। कोरोना काल में लगातार हो रही तादाद को देखते हुए गोगा मेड़ी मेले में इस वर्ष होने वाली भीड़ को काफ़ी कम कर दिया गया है। गोगा मेड़ी मेले में लगने वाली भीड़ और उनके आसपास की दुकानों को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं गोगा जी के प्रसिद्ध समाधि की तरफ। यहाँ भी गोरख टीले की भांति ही भीड़ में काफ़ी कम संख्या में तादाद है। तो आप देख पा रहे हैं गोगा मेड़ी का मुख्य मंदिर, जहाँ पर बाहरी बैरिकेड लगा दी गई है जिससे कि श्रद्धालु मंदिर तक न पहुँचे। तो गोगा जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है उसका आप दर्शन कर पा रहे हैं। कोरोना काल में मंदिर ने यहाँ पर काफ़ी कम भीड़ रखी है। प्रशासन ने भी अपने अपने स्तर पर चाक चौबंद होकर लोगों को समझाइश के बाद कहा है यहाँ पर भीड़ न इकट्ठी करें। हम लगातार आपको भी ये अपील कर रहे हैं कि गोगा जी मंदिर में कपाट इस बार बंद रखे गए हैं, तो आप अपने स्तर पर ही अपने घरों से ही दर्शन करें और भारी मात्रा में गोगा मेड़ी में भीड़ इकट्ठी न करें। सभी भक्तों का धन्यवाद।